सभी व्यूवर्स को नमस्कार, मैं विजय जैन श्री वर्धमान सागर मार्बल्स से। दोस्तों, आज एक ग्रेनाइट का बहुत ही यूज़फुल वीडियो लेके आ रहा हूँ मैं। इसमें केवल आपको वो इन्फॉर्मेशन देंगे जो आपके फ्लोरिंग में, जो अगर आप ग्रेनाइट लगाने जा रहे हैं, केवल वो ग्रेनाइट रिकमेंड करूँगा कि आप फ्लोरिंग पर यही ग्रेनाइट लगाइए। कई बार क्या है, ग्राहक जानकारी के अभाव में जो राजस्थान में ग्रेनाइट बनता है तो वो डार्क कलर या कलर्ड ग्रेनाइट लेके चले जाते हैं, तो कुछ समय बाद क्या होता है, कस्टमर्स की कंप्लेन आती है कि जिस कंडीशन में अपन ग्रेनाइट लेके गए थे कि साल दो साल के बाद में वो कलर ही चेंज हो गया। अब वो कलर चेंज इसलिए हो जाता है कि कस्टमर्स क्या हैं कि कन्वर्ट किया हुआ, जो कन्वर्ट मतलब जो जैसे ब्लैक कलर है तो उस पर और ज़्यादा डार्क करने के लिए उस पर थोड़ा ब्लैक कलर करके पॉलिश कर दिया जाता है, तो कुछ समय के बाद में क्या होता है कि वो कन्वर्ट उतरने लग जाता है और ग्रेनाइट का जो चमक है वो फीका पड़ने लग जाता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करें। तो इसके लिए आपके लिए कौन सा ग्रेनाइट जो बढ़िया रहेगा फ्लोरिंग के लिए, इस वीडियो में आपको मैं केवल वही ग्रेनाइट दिखाऊंगा जो ओरिजिनल फॉर्म में रहते हैं, उन पर कोई कलर कन्वर्ट अपोक्सी वगैरह नहीं होती है, तो ज़िंदगी भर वो वैसे के वैसे ही रहेंगे जैसा कि आपने उसको परचेज किया था। तो चलिए मैं दिखाना स्टार्ट करता हूँ ग्रेनाइट विथ रेड्स। आपको फ्लोरिंग में लगाने के लिए बहुत ही अच्छा कलर और बेस्ट क्वालिटी, क्वालिटी का नाम है डेजर्ट ग्रीन। इसका जो ओरिजिनल नाम है, इसको बोलते हैं अपन देवड़ा। देवड़ा करके राजस्थान में जगह है, वहाँ से इसकी माइनिंग होती है। ये ग्रेनाइट है, ओरिजिनल फॉर्म में है। ये जो आप कलर देख रहे हैं, इस पर कोई दूसरा कलर नहीं चढ़ाया हुआ है, जो इसका ओरिजिनल कलर है उसी पे पॉलिश की गई है, तो ये कभी भी आपका फेड नहीं होगा और एज इट इज़ ऐसा का ऐसा ही रहेगा। फ्लोरिंग के लिए लाइट कलर भी है, ज़्यादा डार्क कलर अपने को फ्लोरिंग में लगाने नहीं चाहिए, लाइट से लाइट जो कलर अच्छा लगता है वही लगाएं। इसके आप मोल्डिंग वगैरह जो भी करेंगे बिल्कुल सेम आएगी। प्राइस की मैं इसकी बात करूं तो ये 55 रुपये से 60 रुपये की रेंज में अच्छी क्वालिटी में अवेलेबल होता है। अगर कोई वेरिएशन वगैरह आता है लाइक स्पॉट वगैरह या कोई लाइन वगैरह, तो रेट 55 रुपये से कम हो जाती है, लाइक 50, 51, 52 जो भी इसकी प्राइस है वैसे होती है। साफ मटेरियल 55 से 60 रुपये में आपको अवेलेबल है। ग्रेनाइट की एक और दूसरी क्वालिटी, इस ग्रेनाइट का नाम है रोजी ग्रेनाइट। ये भी एक राजस्थान का ही कलर है, ये भी बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में, कोई कलर अपोक्सी कुछ भी नहीं, जो जैसा कलर है वैसा ही है, ये ओरिजिनल फॉर्म में है, हमेशा ऐसा का ऐसा ही रहेगा। और लाइट पिंक कलर के अंदर ये आता है, पिंक कलर के अंदर कोई पैटर्न नहीं बनेगा इसके ऊपर, बिल्कुल ऐसा ही रहेगा ये। और प्राइस इसकी आती है 55 से 60, वही 55 से 60 रुपये की रेंज में ये भी आता है, और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस की ग्रेनाइट है। और लगाने के लिए, फ्लोरिंग के लिए, अगर आप पूरी पूरी घर में फ्लोरिंग करवाना चाह रहे हैं ग्रेनाइट की, तो आप इसमें ये ऑप्शन है, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, आप इसको लगा सकते हैं साथ में डार्क कलर की कोई बॉर्डर देके ब्लैक की, तो काफ़ी ये सुंदर लगा हुआ घर में लगता है। चलिए देखते हैं अपन कोई तीसरी क्वालिटी। ये काफ़ी पॉपुलर क्वालिटी है राजस्थान की, इसका नाम है पी वाइट ग्रेनाइट। वाइट बेस के अंदर ग्रेनाइट आते हैं, दो तीन ग्रेनाइट आते हैं, एक तो पी वाइट आता है, एक कॉटन वाइट आता है, एक ऐसा वाइट आता है, इसके बाद में आपको वही क्वालिटी दिखाऊंगा। ये जो चीप एंड बेस्ट क्वालिटी, जो रेट में भी काफ़ी इकोनॉमिक रेट में रहता है और फ्लोरिंग में लगाने के लिए काफ़ी अच्छा कलर है, लोग बाग काफ़ी इसको लगाते भी हैं, ये इसकी जो प्रीमियम क्वालिटी आती है 55 रुपये से लेके 60 रुपये तक, यही इसकी रेंज है, 55 से 60 और 62 जा सकता है, कोई लॉट पे वेरी करता है। ये साफ रेंज में आपको ये मिलेगा इस रेंज में, और अगर इसका कोई ब्लैक पैच या कुछ और कोई वेरिएशन लाइन वगैरह आती है तो वो 45 में भी अवेलेबल हो, ये ग्रेनाइट अपने को होता है। तो घर में फ्लोरिंग में लगाने के लिए या कोई भी कॉमर्शियल यूज़ के लिए आप इस ग्रेनाइट को ले सकते हैं। आइए अगली क्वालिटी देखते हैं। ये भी राजस्थान का ही कलर है और एकदम ओरिजिनल नेचुरल कलर है। इस क्वालिटी का नाम है चीमा ग्रेनाइट। ये भी आपको 55 रुपये से लेके 60 रुपये की रेंज में बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी में, और जो वेरिएशन में अगर लोगे आप डार्क कलर के अंदर या कुछ इसमें कुछ कलर में डिफेक्ट आता है, तो यही 45 से लेके 50 रुपीज़ तक की रेट में वेरिएशन में अवेलेबल है, और साफ में 55 रुपये से 60 के अंदर घर में लगाने के लिए फ्लोरिंग के लिए बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, काफ़ी हर जगह आपको कई जगह देखने को मिलेगा लगा हुआ। लाइट पिंक कलर इसका जो टोन है, और कंप्लीट पॉलिश्ड आते हैं ग्रेनाइट सारे जितने भी हैं। देखते हैं अगली क्वालिटी। ये कुछ डिफरेंट कलर है, जस्ट लाइक इटालियन बेज कलर जो आता है उसी एक स्ट्रेट लाइनिंग पैटर्न में ये ग्रेनाइट आता है। ये भी ओरिजिनल कलर है, इटालियन कलर का आपको फील देगा, कंप्लीट पॉलिश्ड आता है। इस क्वालिटी का नाम है टिकवुड ग्रेनाइट। ये आपको मिलेगा 75 रुपीज़ से लेके 85 या 90 रुपीज़ तक भी इसके लोड्स अपर रेंज में जाते हैं।
लुकिंग वाइज बिल्कुल सेम टू सेम इटालियन लुक में लगा हुआ ग्रेनाइट लगेगा, काफ़ी अच्छा लाइट बेज कलर है। फ्लोरिंग के लिए काफ़ी अच्छा कलर ही है। अभी राजस्थान की वाइट के अंदर जो सबसे बेस्ट क्वालिटी जो आती है उसमें ये क्वालिटी है, और क्वालिटी का नाम है एस वाइट ग्रेनाइट। एस वाइट का जो आप अभी ये लॉट देख रहे हैं बिल्कुल प्रीमियम लॉट देख रहे हैं। अब एस वाइट में क्या है, ये जो दाना है बिल्कुल बारीक दाना आता है, तो इसको जो एकदम सुपीरियर लुक देता है, बिल्कुल नेचुरल कलर है। इसकी जो प्राइस रेंज होती है प्रीमियम लॉट की 85 से लेकर 90 रुपीज़ तक की इसकी प्रीमियम में रेट होती है, और कॉमर्शियल में आपको 70 से लेकर 75 रुपीज़ तक की रेट में कॉमर्शियल में मिलेगा। बट जैसा ये लॉट देख रहे हैं आप, बिल्कुल साफ़ सुथरा है, इसमें कोई काला स्पॉट नहीं है या कोई ब्राउन लाइन या कोई ब्लैक लाइन कुछ भी नहीं आएगा। तो 85 से 90 रुपीज़ की रेट में ये एस वाइट का मार्बल ग्रेनाइट अवेलेबल रहता है। और फ्लोरिंग में लगाने के लिए सबसे टॉप क्वालिटी, अगर वाइट में आप जाना चाहते हैं, बजट है तो आप इसमें जा सकते हैं। तो इसके नीचे जो आते हैं वो पी वाइट आता है, वो और थोड़ा बजट में 55-60 रुपए तक के रेट में आता है। तो ये राजस्थान का सबसे अच्छा ग्रेनाइट वाइट कलर के अंदर। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, इसमें बताई गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। इसमें जो दिखाई अपने ग्रेनाइट दिखाई है वो फ्लोरिंग के लिए, इसका उद्देश्य है कि फ्लोरिंग के लिए लगाएं। तो मेन मोटिव है कि आप ये ही वाला ग्रेनाइट लगाइए, तो आपके क्या कभी भी इसमें कोई भी शिकायत वाला मौका नहीं रहेगा। फ्लोरिंग में आप कन्वर्ट किया हुआ ग्रेनाइट लगाने को अवॉइड करें, जो ओरिजिनल ग्रेनाइट होता है जिस पे कोई कलर नहीं किया हुआ होता है वो ही लगाएं। ये बाकी के जो डार्क कलर वगैरह होते हैं आप उसको पार्शियली यूज़ ले सकते हैं, कोई स्टेप्स वगैरह में लगाएं, या लाइट कलर का जो ये नेचुरल ग्रेनाइट है उसके बॉर्डर्स वगैरह के लिए यूज़ करें। तो अपन उसको रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप फुल फ्लोरिंग में उनको लगाएं, नेचुरल कलर्स ही प्रीफर करें आप फ्लोरिंग के लिए लगाना चाह रहे हैं तो। ठीक है, जुड़े रहिए हमारे चैनल श्री वर्धमान सागर मार्बल से, आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ हम बनाते रहेंगे। थैंक यू।